ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸಿಕ್ನಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನಡ ತು ಕಿತ್ನ ಸಾಲ ಆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಕೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಯ ಬಹುತ ಸಾಲ ಹುಆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ನೀ ಸಿಖಾ ಕಮಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಯೆ ತು ಯಹಾಂ ಕಮಾನೆ ಸಿಖ್ನಾ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ कर्नाटक कन्नड़ वाले से पैसे से खाना खाता नहीं तुम्हें तो फिर सीखना नहीं तो इधर उधर से उठा के उसको बोल के निकाल देता है निकाल देते हैं तब क्या करें ए भैया घमंड जब जानते नहीं तो क्या बोलेंगे ए तुम ए इवर मेल इरे यार नंबर से कॉल मारे कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट कौन है कॉन्ट्रैक्ट कौन है क्या पैसे कितना लेते तुम कंट्रोलर कंप्लेंट कंट्रोल बंद कस्टमर कड़ी सर हाँ मुलाजिल अल्ली नोडिले बोर्ड इदे शौचालय बळके 2 रूपाय अंत इदे 10 रूपायने फिक्स इल्ल रूपायने हेण मक्कळिगे उच्च होद्रु भी 5 रूपाय तगोंतार बरे वाश्रूम इगोद्रे हां लंबर कन्नड कन्नड बरल्लो निमगे कळबेक ताने इंतवरिगे कट्टो इल्ल इदु माडुतार नोड्रि हमारे पीछे देखिए तमिल से बिहारी बच्चे जो मजदूरी करते थे जान बचाकर जैसे तैसे यहाँ पे हिंदी वाला जो भी है उसको मारा जा रहा है काटा जा रहा है वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। बात कर रहा है हिंदी वाला से तमिल में अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय काट देगा। माहौल ऐसा है कि जो अकेला है आदमी ना वो मतलब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कि ये कांड हुआ त्रिपुर में कांड हुआ जब त्रिपुर में कांड हुआ जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया सब तरफ फैलते गया जहाँ मन कर रहा है वहाँ हिंदी बोल रहा है उसको मार रहा है। तीन चार आदमी मिल के आपको पकड़ के काट के उसी जगह रोड पे छोड़ तो यशस्वी प्रधानमंत्री है देश के लोग उनको वोट करके राजा बनाए हैं वो कुछ नहीं कर रहे इसके लिए। 10 कांड हुआ है ना तो अभी तक पता ही नहीं चला है कि कोई एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है। हिंदी बोलने पर मार रहा है हिंदी बोलने पर मार रहा है अब तो ये बता आधार कार्ड देख कर मार रहा है। टीटी उतार दे रहा है ट्रेन में नहीं बैठने दे रहा है टीटी जितने हिंदी वाला है सबको और तमिल वाला बैठ रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है। मुख्यमंत्री आपस में दोस्त है और प्रदेश वालों को मारा जा रहा है तो यही सबका चाल होगा ना। कारण ये पता चला है कि वहाँ पे हिंदी वाला का काम नहीं तमिल वाला काम करेगा। महानगरी जिला में पूरा पोस्टर लगाया हुआ है उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हिंदी वाले को बाहर निकालो तमिल वाले के लिए तमिल नौकरी है जहाँ पे देख रहा है हिंदी वाले का तहां मार रहा है। बिहार और देश में चाहे जिसकी भी सरकार हो लेकिन जो मजदूर है उनकी मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से बिहारियों को तमिलनाडु में दौड़ा दौड़ा करके मारा जा रहा है काटा जा रहा है कई लोगों की जान जा चुकी है। तमिल से बिहारी बच्चे जो मजदूरी करते थे जान बचाकर जैसे तैसे यहाँ पे पटना जंक्शन पहुंचे पटना जंक्शन पे इस वक्त मौजूद है क्या मुसीबत आ गई आप लोगों पर? वहाँ पे यही है कि वहाँ पे हिंदी वाला जो भी है उसको मारा जा रहा है काटा जा रहा है वहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रही है। आप लोग तमिल में कहाँ थे? तमिल में हम सेलम में थे वहाँ पे काम कर रहे थे। जैसे कि ये कांड हुआ त्रिपुर में कांड हुआ जब त्रिपुर में कांड हुआ जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गया सब तरफ फैलते गया जहाँ मन कर रहा है वहाँ हिंदी बोल रहा है उसको मार रहा है। हिंदी बोलने पर मार रहा है हिंदी बोलने पर मार रहा है अब तो ये बता आधार कार्ड देखकर मार रहा है अब तो आधार कार्ड देखकर मार रहा है वहाँ पे। क्या है पता चला आप लोगों को? कारण पता नहीं चला है कारण ये पता चला है कि वहाँ पे हिंदी वाला का काम नहीं तमिल वाला काम करेगा सिर्फ यही पता कारण चला और कुछ भी नहीं। मतलब जो भी गैर तमिल भाषा का है उसको भगा दो तमिल नहीं हिंदी भाषा का जो भी है उसको भगा दो तमिल वाला है वो काम करेगा अपना यहाँ पे हिंदी वाला कोई काम नहीं है। आप लोगों को कब पता चला कि मारा पीटा जा रहा है? हम लोगों बात कर रहा है हिंदी वाला से तमिल में अगर आप उसके भाषा में आप पूरा फुल बात कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करेगा अगर हिंदी बोल दिए तो आपको उसी समय काट देगा पकड़ के काट तीन चार आदमी मिल के आपको पकड़ के काट के उसी जगह रोड पे छोड़ रहने वाले हम बिहार के रहने वाले तमिल में हम तमिल में करीब 5 साल से हैं। 5 साल से थे हाँ। अचानक से काम छोड़ के भागना पड़ा अचानक से देखिए हम लोग का कैसा स्थिति में भागे हैं कैसे पहुंचे वहाँ से पटना वहाँ से पटना कैसे आ गए? हम लोग रात में बस रिजर्व करके घर से पैसा मंगा के हम लोग का पास में पैसा नहीं था फोन में पैसा मंगा के हम लोग बस के ड्राइवर के ऊपर हम लोग क्या बोला
फोन पे किए हैं, उसके बाद ड्राइवर बस ड्राइवर हम लोग का कैश दिया, उस पैसा से हम लोग कैसे कैसे आ रहे हैं ट्रेन में, अपना खाते खाते टिकट कटाते, बहुत बहुत दिक्कत से हम लोग आ रहे हैं उधर। हम लोग बिहार मुजफ्फरपुर जिले से रहने वाले, हम लोग धागा फैक्ट्री का काम करते हैं। कितना मिलता होगा महीने का? हम लोग का वही मिल जाता है 22,000। 22,000 के लिए जान जोखिम में डाल के यहाँ से कई हजार किलोमीटर आप लोग थे तमिल तो जाना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है ना, यहाँ पे काम ही नहीं ना, तब तो जाना पड़ता है ना वहाँ। यहाँ पे काम रहता तो हम लोग क्यों जाते वहाँ? यहाँ के सरकार है क्या कर रहा है क्या नहीं, यहाँ उधर मार पीट रहा है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वहाँ का। वहाँ का अभी माहौल ऐसा है कि जो अकेला है आदमी ना, वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम लोग एक साथ में थे ना, बहुत 20-25 आदमी, इसलिए हम लोग निकल भी गए रात को 1 बजे, रात को गाड़ी भरा किए, उसके बाद हम लोग 4 बजे ट्रेन था तो निकले। उसके बाद ट्रेन में भी हम लोगों को दिक्कत हुआ है, ट्रेन में भी भगाया है, ट्रेन में भी चहेटा था कि कहाँ गया। हाँ, ट्रेन में भी भगाया है, और टीटी था और पुलिस प्रशासन था और वहाँ का पब्लिक भी था, वो सब हम लोगों को बैठने नहीं दिया और निकाल दिया बाहर। ठीक है, बाहर निकालने के बाद हम लोग जैसे तैसे करके जर्नल में आए हैं। जर्नल में आने के बाद हम लोग रांची से चेंज कर, हिंदी बोलने वाले को मार रहा है कि बिहारी को मार रहा है? बिहारी के नहीं, वो जो बिहारी हो या उड़ीसा हो कहीं का भी हो, हिंदी बोलता बात करता है, हाँ उसको मार रहा है, जो हिंदी बात कर रहा है उसको मार रहा है। तो यशस्वी प्रधानमंत्री है, देश के लोग उनको वोट करके राजा बनाए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे इसके लिए? वो तो वही ना देखेंगे, हम तो अभी तक 10 कांड हुआ है ना, तो अभी तक पता ही नहीं चला है कि कोई एक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कोई नहीं। रोड पे आप यहाँ पे 10 गोरा है, बीच में किसी को मार रहा है, सब देख रहा है, कोई नहीं बचाने जा रहा है। कल गए थे तेजस्वी यादव केक में, जो यहाँ के तमिल के मुख्यमंत्री है, उनके साथ केक काट के खा रहे थे। तो कल गए थे तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चला, हम लोग तो ट्रेन में थे ना, अभी न्यूज व्यूज पे आएगा तो देखेंगे कल को पता है कि वहाँ पे गया है। तो मुख्यमंत्री आपस में दोस्त हैं और प्रदेश वालों को मारा जा रहा है? दोस्त है तो क्यों मारा जा रहा है ना, तो यही सब का चाल होगा ना। हम लोग हमको हम लोग को कितना पता है, हम लोग तो मजदूर आदमी, हम लोग कितना जानेंगे, जो मीडिया वीडियो स्टूडियो देखते हैं कुछ कुछ पता चलता है। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को तमिल में? हम लोग का दिक्कत यही आ रही है कि हम लोग वहाँ जाने का नहीं है, हम लोग को उतना दूर जाके 20,000-22,000 रुपया कमाने के लिए हम नहीं जाएंगे, हमको मजदूरी यहीं पे चाहिए। श्री नितेश कुमार थे, हमको मजदूरी यहीं पे चाहिए बिहार में, हम लोग यहीं पे करेंगे। हमने 3,000 किलो से थे तमिल में, मेरा हो गया 8 साल वहाँ, हो गया 8 साल से वहीं रहते हैं। हमें काम करते हैं वो धागा लाइन का है, धागा फैक्ट्री में काम। हाँ, अभी अचानक से क्या हो गया कि भागना पड़ा वहाँ से? वही मारकाट हो रहा है, प्रशासन बुला के मार रहा है, प्रशासन देख रहा है कुछ नहीं बोल रहा है, प्रशासन के सामने मारा जा रहा है। हाँ, सामने मारा जा रहा है, प्रशासन बुला के मारा जा रहा है। देख लेगा कि ट्रेन में चल रहा है तो ट्रेन में से उतार के नीचे रख देगा, टीटी उतार दे रहा है, ट्रेन में नहीं बैठने दे रहा है टीटी। जितने हिंदी वाला है सबको, और तमिल वाला बैठ रहा है तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है, तमिल वाला को बैठा के ले जा रहा है, और हिंदी वाला को ट्रेन में चढ़ते उतार दे रहा है, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दे रहा है। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं, बिहार सरकार आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि यहीं पे फैक्ट्री कुछ बनवाइए, मजदूर लोग यहीं पे कमाएगा, दूसरे शहर में जाने का जरूरत नहीं है। अभी तो आप अचानक से बेरोजगार हो गए ना जी? अभी हो गए ना, तो अभी तो क्या करें, जब यहाँ पे नहीं है तो क्या करेंगे, घर पे रहेंगे ना। 8 साल से थे, कोई पहले ऐसा कुछ मामला हुआ था जिस वजह से अचानक से ऐसा हुआ? पहले से तो कुछ मामला नहीं हुआ था, अभी फिलहाल में 2-3 दिन में ऐसे काम हुआ है, तो हम लोग के कहा जा रहा है कि जो हिंदी बोल रहा है उसको मार भगा दो। हाँ, यही बात हो रहा है, जैसे कि गया वहाँ पे रूम पे, ट्रेन में गया, अच्छा बोल रहा है कि हिंदी मारने लगा। देश के प्रधानमंत्री, उनके लोग हैं मोहन भागवत, ये लोग बोलते हैं कि अब जो डॉक्टरी की पढ़ाई है वो हिंदी में कराई जाए, हिंदी भाषा में कराई जाए, और हिंदी बोलने वालों को काटा जा रहा है। ये सब बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी देश में। हम लोग चाहते हैं यही कि यहीं पे कुछ रोजगार दिया जाए, हम लोग यहीं पे करेंगे। मजबूरी में आप लोग बिहार? हम लोग मजबूरी यहाँ से, हम लोग वहाँ गए हैं, 3,000 किलोमीटर गए हैं। क्या कहिएगा दोस्त, कब से काम कर रहे थे आप तमिल में? 7 साल से हम काम कर रहे हैं। कब चले थे वहाँ तमिल से, आज पहुँचे पटना? वहाँ से हम 4 बजे भोर में धरे थे गाड़ी। खाना पीना हुआ रास्ते में कुछ, या भूखे प्यासे चल दिए? खाना उना खाए, मतलब कि पहले ट्रेन धरे तो ट्रेन में गए, बहुत भीड़ था, तमिल वाला हम लोग घुसे ट्रेन में, तमिल वाला बोलने लगा पोरा पोरा पो, वो सब एकदम धांधलिंग करने लगा, हम लोग निकल गए बाहर। अब नाम क्या आपका? मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण, आपका क्या नाम है? रंजीत नाम है। 3 दिन से आप लोग चले हैं तमिल से? चले हैं 2 दिन तो भूखे रह गए, कुछ नहीं मिला रास्ते में खाने, रास्ते में मिला पैसे नहीं था, भाग मजदूरी छोड़ करके भागे। हाँ, मजदूरी छोड़ के भागे। पूरा पोस्टर लगाया है महानगरी जिला में, पूरा पोस्टर लगाया हुआ है, उस पोस्टर पर लिखा हुआ है कि हिंदी वाले को बाहर निकालो, तमिल वाले के लिए तमिल नौकरी है, यहाँ ओनली तमिल वाले के काम करेगा, हिंदी वाला नहीं काम करेगा, जहाँ पे देख रहा है हिंदी वाले का तहाँ मार रहा है।
कोई पैर में टांग के मार दे, कोई मार रहा है, कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, चाहे देश की सरकार हो या फिर प्रदेश की, कोई नहीं, 10 आदमी के मार दिया, कोई सुनवाई नहीं लिया अभी तक। अब आप लोग अचानक से घर पहुंचे हैं, बेरोजगार हो गए, 8 साल से नौकरी कर रहे थे, अब क्या कीजिए, अब क्या करेंगे सरकार। ये लोग जो है अचानक से पटना पहुंच गए हैं, आज तमिल में थे और अचानक से तमिल में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उन पर हमला होने लगा और उनको ये कहा जाने लगा कि जो लोग भी हिंदी बोलते हैं, गैर तमिल है, गैर तमिल भाषा बोलते हैं, वो अब यहाँ से जाए, यहाँ पे जो भी नौकरी है, जो भी रोजगार है वो हम करेंगे और बिहार की सरकार है ये खामोश बैठी हुई है। अभी तक लोग ये कह रहे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कि हमको जानकारी नहीं है, पता करा लेते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल गए थे और तमिल में केक काट करके आए हैं तमिल के मुख्यमंत्री के साथ में, और तमिल में बिहारियों को और खास करके जो लोग भी हिंदी बोलने वाले हैं सबको मारा पीटा जा रहा है। वैशाली, मुजफ्फरपुर और सासाराम के कई लोग हैं जिनकी हत्या हो चुकी है, सरेआम सड़कों पर उनकी हत्या कर दी गई है और उनके परिवार वालों तक को बॉडी घर नहीं लाने दिया जा रहा है। कई कॉल्स हमको आ चुके हैं कि कोई प्रयास कराइए कि जिससे कि हम लोग का बॉडी आ जाए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है।